यूपी के लखीमपुर खीरी में नलकूप प्रथम खंड सिंचाई विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। सिंचाई फ्री की होने के कारण किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। आपको बता दें कि उपखंड द्वितीय क्षेत्र का नलकूप हजरिया में बना है, जिसका कई सालों से टैंक गिरा पड़ा है, जिसके 4 व 5 कुलाबे छोड़कर सभी कुलाबे टूटे फूटे हैं और पाइपलाइन भी टूटी व खराब होने के कारण किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता है। किसानों को फ्री सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन रकवा घंटा बरकरार फर्जी तरीके से किसानों के नाम लिखा जा रहा है और किसानों को भनक तक नहीं है। नलकूप खंड द्वितीय क्षेत्र के लगभग सभी नलकूपों के कुलाबे नष्ट हैं। सहायक अभियंता अपनी वाहवाही के लिए नलकूप चालकों पर नाजायज दबाव डालकर रकवा घंटे लेते हैं और सरकार को गुमराह करते हैं। आगे देखना है प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। का नाम आपके रहा है? हरिवंश। कहाँ के निवासी हो? हजरिया। अच्छा, ये आपका वहाँ जो नलकूप बना है टेबुल, इसका टैंक क्यों गिरे, कितने साल हो गए हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, 2 साल से गिरा पड़ा है। हाँ, 2 साल से गिरा पड़ा है। तो आप लोग पानी उनी सिंचाई में कोई दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत होती, सिंचाई होती ही नहीं जब टेबुल गिरा पड़ा है। हाँ। टैंक तो सिंचाई कैसे होगी? हाँ, सिंचाई कैसे होगी? तो आप इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं सिंचाई का? बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने सिंचाई फ्री कर रखा है, इसकी सिंचाई तो फ्री है लेकिन हम लोगों को लाभ कोई नहीं मिलता गिरने की वजह से। और गांव के बाहर जो पाइप पड़ी थी वो भी मौजूद नहीं है। अच्छा, पाइप वो कुलाबे टूट गए? कुलाबे सब टूटे हैं? सब टूटे हैं। और पाइप? पाइप कहीं भी होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, तो पाइप क्या हुई? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।